राहुल गांधी जो है आप अपोजिशन लीडर है, आप देख लो ऐसा लगा भाषण, ग्रेट, उम्मीद नहीं की थी कि राहुल गांधी इस तरह बोलेंगे। वो एक दिन बोलता है, दूसरे दिन जवाब देने से पहले तीन और सवाल दाग देता है। अच्छा। मोदी जी अभी एक की जवाब की तैयारी करते हैं, उससे पहले तीन और रेडी कर देता है, तीन मिसाइल मार देता है। अच्छा। वो तीन की तैयारी करता है, वो फिर तीन मार देता है, ये तैयारी करते वो मारता रहता है। बंदा जो है वो बिल्कुल आने वाला फ्यूचर जो है नो डाउट, ये जो था अभी तक चल रहा है, आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, 25 तक आने दीजिए, बहुत कुछ हिंदुस्तान में उथल पुथल हो जाए। जब उन्होंने शुरुआत किया था, बोला था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब मैं ये करूंगा, तो उनका वो रूप समझ में आ रहा था और वो किया और साबित किया, जिसका नतीजा ये हुआ। आप देखे ये जो 24 का रिजल्ट आया, इसमें आपको समझ में आ गया, वो राहुल गांधी की मेहनत है, उस बंदे की मेहनत है, जिसकी वजह से आज बीजेपी रुक गई, जो 240 में सिमट गई, ये राहुल गांधी की देन है। आज पप्पू पास हो गया वाली बात है, वो गाना आया था ना पप्पू पास हो गया, तो पप्पू तो पास हो गया। अब इनकी जो मतलब आप तो वो देखे, वो 1.5 साल से जिसने इंडिया का वो जो ब्राह्मण किया वो घुमा, आप देखे किसी को उसने नहीं छोड़ा है, यानी जो बंदा उसके पास चल जाए उसके साथ उसने खाना खाया है, बैठा है, बातें की है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसने कभी ये उसने डेमोक्रेसी का रियल मतलब बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक सवाल है कि राहुल गांधी कल जो है सुल्तानपुर गए थे, और राहुल गांधी जब सुल्तानपुर से लखनऊ के रास्ते में थे तो एक वहां पर मोची था जिसका रामचेत नाम था, उससे वो मिले थे, जूता सिया, फिर सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज वायरल हुई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि फोटो वायरल होने के साथ साथ राहुल गांधी जब दिल्ली वापस जाते हैं तो रामचेत के लिए जो है सिलाई की एक मशीन भेजते हैं जो ऑटोमेटिक मशीन होती है। तो मोदी जी एक तरफ अंबानी की शादी में है और राहुल गांधी जो है गरीबों के साथ मूंछियों के साथ वक्त बिता रहे। राहुल गांधी की तस्वीरें आपने देखी, कैसी लगी वो जो अभी मूंछियों के साथ वो जो उनका एक वीडियो और तस्वीरें आया, उसको कैसे देखे? मैं तो ये तस्वीर के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर मुझे हंसी आ रही है जो 2 साल पहले उसको पप्पू बोलते थे। आज पप्पू पास हो गया वाली बात है, वो गाना आया था ना पप्पू पास हो गया, तो पप्पू तो पास हो गया। अब इनकी जो मतलब आप तो वो देखे, वो 1.5 साल से जिसने इंडिया का वो जो ब्राह्मण किया वो घुमा, आप देखे किसी को उसने नहीं छोड़ा है, यानी जो बंदा उसके पास चल जाए उसके साथ उसने खाना खाया है, बैठा है, बातें की है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसने कभी ये उसने डेमोक्रेसी का रियल मतलब बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसको उसने जिंदा किया है, यकीन मानो उसने दोबारा इसको जिंदा कर दिया, लाइव कर दिया है। आप बताए ना, आप मैं बोलता हूँ बिहार के आप सुल्तानपुर यूपी में किसी भी बीजेपी के नेता को बोलो कि चल जाओ आप मोची के पास जाके बैठ जाओ, बोलेगा नहीं, सवाल ही नहीं, मंदिर में घुसते नहीं देंगे, बैठने की तो बहुत बड़ी बात हो गई, और उसने बैठा है बंदा ने, उसके बाद उसको भेजा है, उसकी दर्द को समझा है, दुख को समझा है। और आप मोदी जी फिर क्यों नहीं जाते हैं, बहुत बोलते लोग, मोदी जी को अपने से ही फुर्सत नहीं है तो क्या करेंगे, उनको तो ब्राह्मण करना है, घूम रहे हैं वो और उनको फल से मतलब है। आप देख लो, अगर वो नहीं आया होता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो आपका बॉन्ड का अगर नहीं किया होता तो ये तो सिलसिला बहुत ऊपर चल जाता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करे कि उसने इतनी बड़ी कदम उठाई और सामने आई है कि किसने किसको क्या दिया है। 2024 के बाद राहुल गांधी किस अवतार में है? राहुल गांधी जो है आप अपोजिशन लीडर है, आप देख लो ऐसा लगा भाषण, ग्रेट, उम्मीद नहीं की थी कि राहुल गांधी इस तरह बोलेंगे। वो एक दिन बोलता है, दूसरे दिन जवाब देने से पहले तीन और सवाल दाग देता है। मोदी जी अभी एक की जवाब की तैयारी करते हैं, उससे पहले तीन और रेडी कर देता है, तीन मिसाइल मार देता है, वो तीन की तैयारी करता है, वो फिर तीन मार देता है, ये तैयारी करते वो मारता रहता है। बंदा जो है वो बिल्कुल आने वाला फ्यूचर जो है नो डाउट, ये जो था अभी तक चल रहा है, आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, 25 तक आने दीजिए, बहुत कुछ हिंदुस्तान में उथल पुथल हो जाएगा। राहुल गांधी अब उस पोजीशन पे है कि मोदी को 1-to-1 फेस करें? बिल्कुल कर रहे ना, आप देखे ना अपोजिशन लीडर बना हुआ है, अपोजिशन लीडर है तो फेस ही कर रहे ना, बिल्कुल फेस हो रहा है। और जितने भी इनके जो पहले जो इन लोगों ने एक टीम बनाया था जो हमला करते थे, बदनाम करते थे, ये कि आलू के मशीन से सोना निकलता है, ये सब जो है उसको कट करके ये लोग जो लाते थे, यानी आपने एक लाइन बोला उसको कट कर दिया, दो लाइन लाया उसको कट करके एक पॉइंट पकड़ लिया, तो ये सब अब बंद हो गए। कहाँ दिख रहे हैं आप बताइए मुझे, कोई दिख रहे हैं जो डायरेक्ट हमला कर रहे थे? तो लग रहा था कि इतने बड़े लीडर बनकर उभरेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल, जब उन्होंने शुरुआत किया था, बोला था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब मैं ये करूंगा, तो उनका वो रूप समझ में आ रहा था और वो किया और साबित किया, जिसका नतीजा ये हुआ। आप देखे ये जो 24 का रिजल्ट आया, इसमें आपको समझ में आ गया, वो राहुल गांधी की मेहनत है,
उस बंदे की मेहनत है जिसकी वजह से आज बीजेपी रुक गई, जो 240 में सिमट गई, ये राहुल गांधी की देन है। थोड़ी सी प्रधानमंत्री के लिए देख रहे थे इस बार 24 की में, कोई नहीं आगे भी है, ऐसा थोड़ी है कि इलेक्शन फिर नहीं होगा, होगा। दुबई में मोदी जी का ज्यादा इज्जत है कि राहुल गांधी का? देखिए दुबई में अब जो लोग रहते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेट लोग जाते हैं, तो वो मोदी जी को जो इज्जत देते हैं वो एक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लहजे से देते हैं। अच्छा। देखने का नजरिया कि मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर आया और मेरा हक बनता है कि हम उसको, अगर मैं भी हूँ तो मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा। अच्छा। लेकिन पॉपुलरिटी अगर आप जो कम्युनिटी में जो बातें होती है यानी मीडिया के बगैर मीडिया के, राहुल गांधी जो है वो ऊपर है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।